ट्यूटोरियल फोर ट्रांजिस्टर ये चारों कंपोनेंट ट्रांजिस्टर हैं ट्रांजिस्टर के कुल दो प्रकार होते हैं एन पी एन और पी एन पी ये सिंबल एन पी एन का है ये सिंबल पी एन पी का है ट्रांजिस्टर के कुल तीन पिन होते हैं जिसमें पहला पिन बेस ट्रांजिस्टर के सिंबल में एक एरो का साइन होता है और उस साइड वाला भाग इमीटर होता है और तीसरा नंबर पिन कलेक्टर उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर पे पहला पिन बेस एरो के साइड वाला पिन इमीटर और तीसरा पिन कलेक्टर होता है दोनों सिंबल पे एरो के डायरेक्शन का फर्क होता है एन पी एन पे एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ और पी एन पी पे एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है ट्रांजिस्टर किस प्रकार वर्क करता है एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं सपोज वाटर टैंक इमीटर है आउटपुट कलेक्टर है और वाटर का वाल्व बेस है इस वाल्व को घुमाते ही इमीटर से वाटर सप्लाई कलेक्टर की तरफ फ्लो होने लगता है उसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी काम करता है इस ट्रांजिस्टर पे जो बेस है वो वाल्व टैप के वाल्व जैसा काम कर रहा है इमीटर वाटर टैंक जैसा काम करेगा और कलेक्टर आउटपुट के जैसा काम करेगा जैसे ही हम बेस में सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इमीटर पे रखा चार्ज कलेक्टर की तरफ फ्लो होने लगता है एन पी एन और पी एन पी ट्रांजिस्टर किसी सर्किट में कैसे काम करते हैं सबसे पहले एक सर्किट में हम एन पी एन ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं जिसका इमिटर भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और कलेक्टर भाग एलईडी के साथ कनेक्टेड है जो एलईडी के कैथोड पार्ट के साथ कनेक्टेड है और एनोड पार्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ट्रांजिस्टर के बेस के बीच में एक स्विच लगा हुआ है जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव सप्लाई बेस की तरफ फ्लो होने लगता है और इससे ट्रांजिस्टर ट्रिगर हो जाता है ट्रांजिस्टर के ट्रिगर होने पे जो बैटरी का नेगेटिव चार्ज इमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होने लगता है और इस प्रकार सर्किट कंप्लीट होके एलईडी को ऑन कर देता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के नाम पे ही उसका काम का वर्णन है कि उसके बेस में पी सप्लाई मतलब पॉजिटिव सप्लाई देने पे वो इमीटर पे रखे नेगेटिव चार्ज को कलेक्टर की तरफ फ्लो करता है उसी प्रकार पीएनपी स्विचिंग सर्किट देखते हैं यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर के इमीटर के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करके रखा है और उसके कलेक्टर को एल के एनोड की तरफ कनेक्ट करके रखा हुआ है और एल का कैथोड बैटरी के साथ डायरेक्ट है जैसे एनपियन ट्रांजिस्टर के साथ हम उसके बेस में पॉजिटिव स्विच कर रहे थे पीएनपी के साथ हम पॉजिटिव स्विच नहीं करेंगे यहाँ पर हम उसे नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं उसके स्विच को जैसे स्विच को हम प्रेस करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है जिससे इमीटर पे रखा पॉजिटिव सप्लाई कलेक्टर की तरफ फ्लो होता है और ट्रांजिस्टर ट्रिगर करके एलईडी को ऑन कर देता है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव स्विचिंग के लिए यूज करते हैं और एनपीएन ट्रांजिस्टर को नेगेटिव स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब